इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1F जो 8th क्लास की है इसको हम समझेंगे कि कैसे इसके सम हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम 5 तक जो सम है उनको करेंगे। फर्स्ट सम की स्टेटमेंट को समझते हैं। ए सबमरीन आफ्टर 100 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, इसका मतलब क्या है कि एक सबमरीन है वो 100 किलोमीटर जो है किनारे से दूर जाती है। डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ, सबमरीन जो होती है समुद्र में नीचे की तरफ जाती है, तो इतने किलोमीटर बिलो द सी लेवल से इतने किलोमीटर नीचे चली जाती है। देन इट असेंड्स, फिर ये ऊपर आती है 3/5 किलोमीटर और नेक्स्ट डे फिर से वो डिसेंड करती है, नीचे की तरफ जाती है। तो हमें जो बताना है व्हाट इज द करंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल के हिसाब से करंट उसकी लोकेशन कहां पे है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सबमरीन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब इस पूरे सम को एक बार हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या है इसमें, फिर हम बता कि आगे क्या करना है। इसमें देखो, ये जो है इसको हमने किनारा लिया है समुद्र का। इसके बाद यहाँ पे अगर सबमरीन है, समुद्र का ये जो है ऊपरी स्तर है जहां पानी है, ये गहराई है समुद्र की, तो यहां पर जो है इस किनारे से 100 किलोमीटर इस तरफ जाती है सबमरीन। अब सबमरीन जो है वो पानी में नीचे की तरफ डूबती है, कितने किलोमीटर नीचे जाती है, 1/10 था, तो हमने इसको सॉल्व किया 11/10 किलोमीटर। तो इसके बाद जो है वो वापस, क्योंकि सबमरीन जो है वो आगे पीछे नहीं जाएगी, तो हमें बताया गया डिसेंड होने के बाद फिर से दोबारा असेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हमने इसी के ऊपर ना बना के थोड़ा साइड में लिखा है 3/5 किलोमीटर ऊपर जाती है और फिर से वो नेक्स्ट डे जो है इतना नीचे आती है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अब कितना डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, जो तो एक तरफ है उनको इकट्ठा लिख लेना है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सबमरीन कितना है, 100 किलोमीटर। सबमरीन डिसेंडिंग डिस्टेंस, जो वो नीचे की तरफ गई है डिसेंडिंग डिस्टेंस 11/10 किलोमीटर। फिर जो है फिर से वो असेंड करती है नेक्स्ट डे, वो है 3/5 किलोमीटर और जो डिसेंडिंग है दोबारा से वो है 9/10। अब हमें ये चेक करना है कि फाइनल डिस्टेंस कितना होगा। तो हम जो है, तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, जो फाइनल जो है इसकी पोजीशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम इस तरह से करेंगे 11/10 ये जो है नीचे की तरफ डिस्टेंस आया, फिर इसमें से माइनस करेंगे जो वापस गई है वो, तो वापस जो गई है -3/5 और फिर से जो उसी डायरेक्शन में आई है तो वो है +9/10। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 10, सेम हो तो ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज, -5 की टेबल में 2 पे 2 3 6 +10 की टेबल में 10 1 पे आता है तो 9। अब 11 में से 6 माइनस करो और प्लस कर दो 9, तो ये बन जाएगा 14/10। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 5 10 2 7 14, तो 7/5 है। तो इसको अगर आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो 7/5। तो ये था फर्स्ट सम। अब देखते हैं सेकंड। इसमें हमें कहा गया है गोल्ड चेन व्हेन पैक्ड इन ए डेकोरेटिव गिफ्ट बॉक्स, जब एक गोल्ड चेन को एक बॉक्स में गिफ्ट के लिए पैक किया जाता है तो टोटल वेट जो है वो इतना आता है। मतलब ये जो वेट है वो दो चीजों का है, एक तो गिफ्ट बॉक्स और एक गोल्ड चेन। इफ द चेन वेट, और चेन का अलग से हमें वेट दे रखा है, तो हमें बताना है बॉक्स का वेट कितना होगा। सिंपल लॉजिक है, क्या करना है हमें, टोटल वेट में से चेन का वेट माइनस कर देना है तो बॉक्स का वेट जो है हमारे पास आ जाएगा। कैसे करना है वो देखो, तो हमने यहां लिखा टोटल वेट 81/6 और इसको सॉल्व किया हमने तो वो आ गया 481/6। फिर जो है यहां ये आपको बताने के लिए बताया गया कि टोटल वेट किस किस का है, गोल्ड चेन और बॉक्स का। उसके बाद वेट ऑफ चेन, जो चेन का वेट है उसको हमने सॉल्व किया 319/12। अब जो वेट ऑफ बॉक्स हमें निकालना है कि अकेले बॉक्स का कितना है, तो टोटल में से चेन का वेट माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 481/6 -319/12। अब आपको एलसीएम लेना आता होगा तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद अब 6 की टेबल में 12 जो आता है 2 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ आप करेंगे तो ये बन जाएगा 962 -319, क्योंकि 12 सेम है तो सेम आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 643/12। अब आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं, लेकिन इसको डिवाइड करके आप देखेंगे तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा 537/12 किलोग्राम। तो ये था सेकंड। थर्ड में है
द फ्रूट बास्केट कंटेनिंग एप्पल ऑरेंज पियर्स, मतलब एक बास्केट है जिसके अंदर एप्पल है, ऑरेंज है और पियर्स हैं। तो ये जो है टोटल वेट हमें बता रखा है इतना है उसका। इफ देयर आर 8 1/9 किलोग्राम ऑफ पियर्स, 3 1/9 ऑफ ऑरेंज, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ एप्पल। तो हमें दो चीजें बता रखी हैं, पियर्स और ऑरेंज। तो हमें बताना है एप्पल का कितना होगा अगर बास्केट का वेट जो है वो इतना है। बिल्कुल है, कैसे? टोटल वेट में से जो हमें गिवन वेट है 3, वो हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, टोटल वेट ऑफ बास्केट जो है फ्रूट से भरी हुई है जो, उसका वेट है 19 1/3, जिसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 58 1/3 किलोग्राम। उसके बाद पियर्स का वेट जो है वो भी हमें गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 73 1/9। फिर जो है ऐसे ही ऑरेंज का जो वेट है उसको सॉल्व किया तो बन गया 28 1/9 किलोग्राम। अब जो है एप्पल का वेट हमें निकालना है तो इसको हमने लेट कर लिया एक्स। फिर आपको बास्केट का भी गिवन है तो बास्केट का वेट हो गया 10 1/9। अब यहां पे मैंने कुछ लिखा है एप्पल प्लस पियर्स प्लस ऑरेंज प्लस बास्केट, मतलब इन चारों का वेट मिला के बनता है टोटल वेट 58 1/3। अब इनमें से एप्पल का हमें गिवन नहीं है तो उसको हमने लिख दिया एक्स, और जो बाकी हैं उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहां पे अगर हम देखें तो सबके नीचे 9 है, इसलिए एलसीएम जो है वो 9 ही रहेगा, और ऊपर वाली स्टेटमेंट को हमने सेम लिखा है। और स्टेटमेंट को अगर हम प्लस करें तो प्लस करने के बाद हमें मिलता है 1 1 1/9, और 58 1/3 जो इक्वल में है। अब इधर हम ध्यान देते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्लस में है, प्लस वाला दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो इसलिए हमने इसको यहां से हटाया और इस तरफ लेके गए तो ये माइनस में साइन चेंज हो गया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम होगा 9, और 3 के टेबल में 3 पे आता है 9, और 3 8 जो 24, इस तरह से 174 -111, और इसको सॉल्व करके आ गया 63 1/9। इसको कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 9 7 जा 63। तो एप्पल का वेट जो है वो कितना है 7 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में हमें बोला गया है ए रोल ऑफ रिबन वाज कट इनटू 26 पीसेस, मतलब एक रिबन को 26 पीस में टुकड़ों में काट दिया गया है। एक पीस की लेंथ जो है वो 2 3/4 है, तो टोटल लेंथ कितनी थी? तो सिंपल इसमें हमें करना है जितने हमारे टोटल पीस हैं एक पीस की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल रोल। सॉरी, एक हमने मिस कर दिया इसमें, फोर्थ। तो फोर्थ को हम देख लेते हैं पहले। एक कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में हमें बोला गया है इतनी उसकी लंबाई है और इतनी उसकी चौड़ाई है। तो इफ द कॉरिडोर इज टू बी कारपेटेड, अगर इसको कारपेटेड करना है हमें, इसके ऊपर दरी बिछानी है, तो एरिया क्या है? तो सिंपल है, ये लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो रेक्टेंगल है, तो हमें एरिया निकालना आता है। तो हमने लिखा लेंथ ऑफ कॉरिडोर, ब्रेथ ऑफ कॉरिडोर, और लेंथ ब्रेथ वाला जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी। तो हमने यहां पे लिखा एरिया एल मल्टीप्लाई बी, तो लेंथ है 66 by 7, 56 by 55, 7 8 जा 56, 11 5 जा, और 11 6 जा। तो ऊपर कौन कौन बचा? 6 8 जा 48 by 5। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। अब फिफ्थ हम जो रिबन वाला है, तो रिबन वाले में हमने क्या करना है? इसमें टोटल पीस दे रखे हैं हमें 26, एक पीस की लंबाई जो है वो है 2 3/4, तो इसको हमने सॉल्व किया 11 by 4। तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल रिबन क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ पीस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन पीस। तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 13 जा 26। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 143 by 2। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो 71 1/2 मीटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1F के 1 से लेके 5th सम तक।